ओम शांति। ये सच है कि हम में से हर कोई एक हद तक यौन संबंध से एडिक्टेड है। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको जीवन में फिर कभी पॉर्न क्यों नहीं देखना चाहिए। हमें ये सब क्यों नहीं देखना चाहिए, ये जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम कौन हैं, ये सब करने वाला कौन है, या फिर ये सब देखने वाला कौन है। हम ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है जो इस शरीर को चला रही है। आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु की तरह है जो हमारे फोरहेड के दो आईब्रोज के बीच में है, इसलिए हिंदू धर्म में टीका लगाते हैं। लोगों को समाज द्वारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि पुरुष और महिला को यौन संबंध के लिए बनाया गया है, लेकिन यह झूठ है, झूठ है, क्योंकि जब 5000 साल पहले हम भगवान द्वारा बनाए गए थे, तब हमें पता भी नहीं था कि यौन संबंध होते क्या है, जबकि सिर्फ महिलाएं ही नहीं, सारे पुरुष भी बहुत सुंदर थे। पृथ्वी स्वर्ग थी और हम सब देवी गुणों से भरपूर थे। इतना ही नहीं, हमें यह भी नहीं पता था कि गुस्सा, मोह, लगाव और अहंकार होता क्या है। इसलिए हम एक छोटे बच्चे की तरह मासूम और प्योर थे। हर तरफ खुशी के अलावा कुछ भी नहीं था और हमारा शरीर भी बहुत स्वस्थ था। हमारी बुद्धि बहुत स्मार्ट थी। हम बहुत ही चरित्रवान लोगों के बीच में थे। वहाँ पर जानवर भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। इसलिए ही बाइबल और बाकी सभी धर्मों में उल्लेख किया है कि गाय और शेर एक ही तालाब में पानी पीते थे और सिर्फ फल और सब्जियां खाते थे। अब सवाल यह है कि अगर यौन संबंध क्या है पता ही नहीं था, तो उत्पत्ति कैसे होती थी? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे भी उत्पत्ति होती थी। जब पति पत्नी को लगता था कि उनको बच्चा चाहिए, तो पत्नी गर्भवती होती थी। इसलिए हिंदुओं में 33 करोड़ देवताओं की पूजा होती है जो स्वर्ग में रहते थे। अब यह सब 2500 साल तक स्वर्ग था, बाद में धीरे धीरे नर्क बना। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, या फिर आपके और भी बहुत सारे सवालों के सारे जवाब आपको मिलेंगे। इसलिए आपको नज़दीक के राजयोगा मेडिटेशन सेंटर पर जाना होगा, या फिर इसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि आप राजयोगा मेडिटेशन सेंटर पे जाए और अपने सारे सवालों के जवाब पाए। धन्यवाद। ओम शांति।